गाइस अब मैं ये वाला कलर लूँगी, ये है स्लेटी कलर, ये भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पता नहीं स्लेटी है कौन से, मैं भूल गई। हम लोगों को नेल आर्ट की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हम लोग कोई भी माचिस की लकड़ी या फिर हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी, स्वागत है आप लोगों का मेरे बुलबुल टी के ब्लॉग्स में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग अपने हाथों को और भी ज़्यादा खूबसूरत कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि अभी मेरे हाथों में बिल्कुल नेल पेंट नहीं लगा है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग अपने पाँचों उंगली में अलग अलग तरह के नेल पेंट किस तरीके से लगा सकते। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को मेरे ऐसे ही न्यू वीडियो मिलते रहे। तो चलो अब हम लोग बताएंगे, यानी मैं बताऊंगी आप लोगों को कि हम लोग अपने हाथों का अच्छे से ड्रेसिंग कैसे कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि हम कैसे अपने नाखूनों को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। गाइस अब मैं आपको बताऊँगी कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हम ये वाइट नेल पेंट ले लेंगे। तो देखिए मेरा वाइट नेल पेंट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये सबसे पहले हम वाइट नेल पेंट ले लेंगे। आप लोग चाहो तो इसमें से कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो, या तो ब्लैक, वाइट, येलो, ग्रीन, जो भी आपको कलर ज़्यादा अच्छा लगे। मुझे ज़्यादा वाइट अच्छा लगता है, तो सबसे पहले मैं वाइट नेल पेंट ले लूँगी। फिर हम इसे अपनी पूरी उंगलियों में अच्छे से लगा लेंगे। तो देखिए ऐसे लगाना है हमें, उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने हाथों पर अच्छे से लगा लेंगे। इस तरीके से हमें पूरी अपने नाखूनों पे लगा लेना है अच्छे से। ये देखिए मैंने अभी अपने नाखूनों पे अच्छे से लगा लिया। अब हमें एक एक करके पूरी उंगलियों पे अच्छे से लगाना है। तो देखिए गाइस मैंने ये अपने पूरे नाखूनों में अच्छे से लगा लिया है नेल पेंट। अब मैं इसमें बताऊंगी कि हमें डिज़ाइन करना कैसे। सिंपल है, बहुत ही आसान है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें देखने में। हम लोग कहीं पार्टी या घर पे भी यूज़ करके ऐसे ही लगा सकते हैं। तो गाइस हम ये ब्लू कलर ले लेंगे। आप लोग चाहो तो कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं ब्लू कलर ले लूँगी। अब मैं बहुत ही अच्छे से इसे अपने पूरे नाखूनों पर डिप डिप करके एक ड्रेसिंग से डिज़ाइन दे दूँगी इसमें। इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए गाइस ऐसे करना है हमें। हम लोग को नेल आर्ट की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हम लोग कोई भी माचिस की लकड़ी या फिर हम लोग अगरबत्ती की तीली ले सकते हैं, जिससे कि हम लोग ऐसे डिज़ाइन कर सके। तो मेरे पास तो नेल आर्ट बिल्कुल भी नहीं रहता और मैं ख़रीद भी नहीं पाती हूँ, तो मैं बस ऐसे ही नॉर्मल अपने घर पे ही कोई भी माचिस या अगरबत्ती की लकड़ी लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छे से घर पर ही कर लेती हूँ। तो देखिए गाइस ऐसे हमें डिप डिप करके पूरे नाखूनों पर कर लेना है। हम लोग पूरे कलर से अलग अलग करेंगे। पूरा जब ये हो जाएगा रेडी, जब काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। आप लोग देखिएगा अच्छे से। बस बहुत ही सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस ये देखिए मैंने ब्लू कलर से अपने पूरे नाखूनों पे अच्छे से डिप डिप कर लिया। अब मैं ये लूँगी गाजरी कलर, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा कलर है। सो इससे भी मैं नॉर्मली ऐसे ही करूँगी, मैं पूरे नाखूनों पर अच्छे से कर लूँगी। बस हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही डिप डिप करना है नॉर्मल। आपके पास जितने चाहे उतने कलर से आप लोग कर सकते हो, उससे नाखून ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। तो देखिए बस थोड़ा थोड़ा हमें गैप देके ऐसे डिप डिप करना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। बहुत ही अच्छे से हो रहा है ये, हमें नेल आर्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, नेल आर्ट जैसे ही शो कर रहा है पूरा। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो। गाइस देखिए कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गाइस अब हम ये वाइट कलर ले लेंगे, हुबा ब्यूटी का ये नेल पेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा शाइन करेगा। चलिए अब हम इसे भी अच्छे से लगाएंगे। आप लोग चाहो तो इसी के ब्रश से आप लोग डिप डिप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये माचिस की तीली या फिर अगरबत्ती की लकड़ी से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसे भी मैं ऐसे ही डिप डिप करूँगी। आप लोग चाहो तो थोड़े बड़े डिप भी कर सकते हो, अच्छा लगेगा देखने में ज़्यादा। तो गाइस देखिए मैंने अच्छे से लगा लिया अपने हाथों पे, अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। गाइस अब मैं ये वाला कलर लूँगी, ये है स्लेटी कलर, ये भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पता नहीं स्लेटी है कौन सा, मैं भूल गई।
सो गाइस मैं ये कलर ले लूँगी, मुझे पता नहीं है कौन सा कलर है, आप लोग कमेंट करके बता दे रहे हैं कौन सा कलर, बट ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा हाईलाइट करेगा, मुझे पता नहीं है कौन सा कलर है बट अच्छा लगेगा। सो बस अब हम इसे भी ऐसे ही करके डिप डिप कर लेंगे, आप लोग चाहे तो बड़े डिप भी कर सकते हो बट स्मॉल में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़्यादा हमारा स्पेस खाली, हम लोग वहाँ वहाँ कर लेंगे। और भी ज़्यादा आप लोग हाइलाइटर कलर ले सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा हाईलाइट दिखे, एकदम डार्क कलर। अभी मेरे पास ज़्यादा नैन पेंट के कलर नहीं थे इसलिए मैं आप लोगों को बस इसी में बता रही हूँ, तो आप लोग चाहो तो अच्छे से यूज़ कर सकते हो और भी ज़्यादा अच्छे कलर। गाइस ये मेरा हो चुका है अच्छे से पूरा कंप्लीट, तो देखिए आप लोगों को कैसा लग रहा है। फाइनल हो चुका है नेल आर्ट ड्रेसिंग का अच्छा सा डिज़ाइन जो कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। आपके पास घर पे खाली प्लेट सूख भी गई होगी, इसमें थोड़ी बहुत बची होगी तो भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, और भी ज़्यादा आपके पास अगर कलर हो गए तो आप लोग उससे भी बहुत अच्छे से ड्रेसिंग कर सकते हो। मेरे पास बस ये इतने ही बचे थे तो इससे ही मैंने आप लोगों को से बताया है, सो आप लोग उसके बाद इसके ऊपर ये शाइनर का भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा शाइन करेगा, इससे आपके नेल्स और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो बस सिंपली आपको ये माचिस की तीली या अगरबत्ती की तीली ले लेनी है जिससे कि आप ये अच्छा सा ड्रेसिंग कर सको अपने नाखून पर। सो गाइस आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से अपने हाथों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही न्यू वीडियो अच्छे अच्छे लेकर आके बता सकूँ। सो बाय बाय।